भोपाल में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के समर्थन में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांग नहीं सुन रही है, अतः हमने कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हम उम्मीद करेंगे कि इन मांगों को बजट सत्र में मान लिया जाए। मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, वो जगह जगह आंदोलन कर रहा है। कर्मचारियों की मांगों को अब कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कर्मचारी संगठन के साथ पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च पत्रकार भवन से शुरू होते हुए बिरला मंदिर तक ही पहुंचा था कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की यह सरकार नहीं सुन रही है। हमने कर्मचारियों की 27 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। राज्यपाल को कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। अतः हमारा निवेदन है कि कर्मचारियों की मांगों को इस बजट सत्र में माना जाए। क्या है हमने अभी इसमें मध्य प्रदेश के कर्मचारी, चाहे शासकीय हो, चाहे अशासकीय हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे निगम मंडल के हो, ये अलग अलग मांगे पिछले कई सालों से यहाँ पर हो रही है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बड़े बड़े आंदोलन हो रहे, कोई सुनने को खाली नहीं। यहाँ पर आज हमने ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय जी को और ये कहा है कि आखिरी सेशन है बजट का इस भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार का। ये जितने भी आंदोलन यहाँ पर हुए हैं, जितनी भी मांगे किए हैं, वो सब मांगे इसमें समाहित हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।